नमस्कार, आप देख रहे हैं हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। और अभी हम मौजूद हैं दो ऐसे शख्सियत के साथ जो YouTube पे जाने माने हस्ती हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो है MBA चाय वाले, जो MBA चाय वाला है, यह नाम किसी से भी अनजाना नहीं है। भारत में सब कोई जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में MBA चाय वाला का नाम आज जाना जा रहा है। और हमारे साथ एक और शख्सियत है, हम दोनों से बात करेंगे। नीतीश राजपूत भी हैं और ये भी जो है YouTube पे आप देखेंगे, इनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनको देखते हैं। और हम सबसे पहले बात करेंगे MBA चाय वाला से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कहेंगे जो आप इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम के बारे में, और साथ ही साथ आपने जो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया जो आज कई लोगों को रोज़गार भी दे रहा है। और वैसे भी जब हम भारत देश में बात करते हैं, रोज़गार की बहुत समस्या है, और आप जिस तरह से रोज़गार क्रिएट किए, इसके बारे में क्या कहेंगे? बदलता भारत है, बदलता युवाओं का जोश, जो खुद अपनी पहचान बनाने के लिए काम कर रहे हैं, किसी सरकार प्रशासन के भरोसे नहीं बैठे, तो उसके माध्यम से इवेंट हो रही, रीगी के द्वारा इवेंट हो रही, वहाँ पर हम लोग आए, हम बातें करेंगे बदलते भारत की, स्टॉक मार्केट की, एंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप की, जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए दौड़ रहा है, किसी के भरोसे नहीं बैठ रहा है, और उसे समझ आ गई है कि उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तो बदलते भारत की तस्वीर है। अभी रिसेंटली में हमने अंग्रेजों को पीछे छोड़ के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बने हैं, और इतने 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं ऑफिशियली। हर व्यक्ति अब रोजगार के पीछे ना भागते हुए रोजगार देने वाला बन रहा है, स्टार्टअप खड़ा कर रहा है, एंटरप्रेन्योर बन रहा है, अपनी पहचान बना रहा है। वो क्या है, गाँव का हो, शहर का हो, लड़का हो, लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बदलते भारत की तस्वीर है, उसमें हम भी आहुति दे रहे हैं। MBA चाय वाला जो है उसकी फ्रेंचाइजीज के लिए भी बहुत ज़्यादा होड़ है, और इसमें हम जिस तरह से सुन रहे हैं कि शर्तें रखी गई है, और किस तरह की शर्त है, क्या है ये? कोई शर्त नहीं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और इंटरेस्ट है तो हम आपको फ्रेंचाइज दे देंगे। और दूसरा, ऐसे कोई आप भ्रमित वीडियो के और व्लॉग्स के माध्यम से डरे मत, घबराइए मत, आप वेबसाइट पर डालिए, आपको MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। 200 से ज़्यादा आउटलेट्स अभी इंडिया में है, और अभी हम अगले 2 सालों में 1,000 आउटलेट क्रॉस करेंगे, और इंटरनेशनली भी MBA चाय वाला जा रहा है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमारे साथ यहाँ एक और शख्सियत हैं, और हम इनसे भी बात करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं जिस तरह से एक बुक जो है, यह अभी जो है यहाँ पे उसका जो है लोकार्पण हो रहा है, और किस तरह की क्या बात है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम के बारे में तो यही कहूँगा कि लिटरेचर फेस्टिवल, मैं तो आके बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। आज की डेट में जहाँ लोग रील्स और इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी भीड़ आएगी, लेकिन काफ़ी भीड़ आई है यहाँ पे, और इससे पता चलता है कि आज भी लोगों को बुक्स में इंटरेस्ट है। लोग कहते हैं कि बुक्स नहीं पढ़ी जाती, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट है अगर अच्छी। तो बुक यहाँ पे क्या आपको, कौन सी बुक अच्छी लगी, क्या आप भी कोई बुक लिखे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं? जी, मैंने द ब्रोकन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ये बुक लिखी है। तो बेसिकली मीडिया वाले जो आप जैसे इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर करते हैं, तो क्या क्या उसमें लूप होल्स रहते हैं। अब एक इंसान जब वोट देने जाता है तो वो वोट देता है अपने आसपास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे, ठीक है। अब उसको तो लग रहा है कि वो खुद वोट दे रहा है, लेकिन अगर आप जो वोट देने जा रहे हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन ही गलत हो, तो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाता है, और कैसे आप तक गलत इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, और क्या क्या ट्रिक्स यूज करी जाती है, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। लोकतंत्र को और मजबूती देने के लिए आपने जो है जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो किस तरीके से टूट रहा है या टूट चुका है, उसके बारे में बात हुई है इस बार। तो इस बुक के द्वारा जो है, और आप कुछ ऐसा जो मैसेज देना चाहें जो एक संक्षिप्त में हो, जो लोग बुक नहीं पढ़े हैं उनके लिए जो है, क्योंकि जो बुक पढ़े हैं उनका तो कहना है बहुत अच्छी बुक है, मैं भी इसे बाद में पढ़ने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही समय मिलता है मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहूंगा। लेकिन जो लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे आप संक्षिप्त में कुछ मैसेज दें। देखिए, आज की डेट में इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास गलत है तो बहुत सारी चीज़ें गलत आ जाती हैं। आप एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला दीजिए उसके बारे में, तो लोग हो सकता है वो मार भी खा जाए, इतनी पावर होती है। जैसे MBA चाय वाला के, इनके फ्रेंचाइजीज के बारे में कुछ ऐसे ऐसे बनाए गए हैं जो देख के लगता है कि यहाँ जो है वो बात करने पे जो है वो दूर हो। तो इन्फॉर्मेशन सही मिल कैसे सकती है आज के ज़माने में, जहाँ व्हाट्सएप फॉरवर्ड, इतने सारे फेक मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, तो तरीका क्या है हमारे पास, सही इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाए, सब तो एक ही चीज़ कह रहे हैं। तो ये क्या ट्रिक्स हैं उसमें, किस तरीके से यूज़ होती हैं सारी ट्रिक्स, वो इस बुक में है, तो आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको चीज़ें पता चलेंगी। इस बुक के बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे, जो बुक ये आपके हाथ में है इसके बारे में?
अंतिम शब्दों में अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करूंगा। जिस हिसाब से, जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, हमें हमारा चौथा स्तंभ जो है मीडिया, उसको बड़ा ट्रांसपेरेंट रखना है, जीवित रखना है और जेन्युइन रखना है। उसमें ये किताब, नीतीश भाई की जो किताब है, द ब्रोकन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक ऐसी रेखांकित करती है कि भैया समाज में ये सारी चीज़ों में सुधार की बड़ी आवश्यकता है और कैसे हम लोग इसको किताब के माध्यम से समझ सकते हैं और समाज के लोगों को, कि जो लोग इसके जिम्मेदार लोग हैं, उनको बता सकते हैं आईना कि कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, जागरूकता बड़ी ज़रूरी है और समझदारी बड़ी ज़रूरी है। जागरूकता और समझदारी का एक ही नाम, ये है वो किताब। तो बुक की अहमियत जो है ये अपने आप में है, और जिस तरह से MBA चाय वाले ने भी इस बुक के बारे में बताया, आप सब देखते रहिए हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। नमस्कार।